इतिहास है, काफ़ी अच्छा ग्रोइंग है और स्टूडेंट को आप अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हो, हर साल आप लोग एक ग्रोथ देख रहे हो, तो आप ये जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसको किस तरीके से देखते हैं कि मतलब हाउ द क्लाइंट्स ऑफ डेवलपिंग इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड एजुकेशन, क्योंकि SMS का एक अपना एक वो है अचीवमेंट है। किसी भी इंस्टीट्यूट के ग्रोथ के लिए ओवरऑल एक्सेलेंस ज़रूरी है इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। एक तो उनका एकेडमिक जो एक्सेलेंस है वो होना चाहिए, फोकस और इनोवेशन में स्टार्टअप होना चाहिए और प्लेसमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। सो उसके अलावा जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपने जिसमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात हुई है, तो उसमें आप कहाँ एजुकेशन सेक्टर की एक बहुत अहम भूमिका देखते हैं? कि देखिए, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिस जो अलाइन करता है तमाम कॉरपोरेट सेक्टर्स को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, और हम वो गैप ब्रिज करते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स में रहता है बेसिकली। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सेकेंडरी सर, अब क्वालिफिकेशन सवाल थोड़ा सा अभिनंदन आए हैं, सो हाउ यू थिंक लाइक योर इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर किस तरीके का जोश है, स्टाफ एंड ऑल, बिकॉज दो दिन आप लोग भी आपके कॉन्फ्रेंसेस थी तो अलग अलग चर्चा रही होगी। देखिए, अभिनंदन आए, उससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। उनका सारे देश ने इस्तकबाल किया और पूरा अभिनंदन किया है पूरे खुले हृदय से, और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि पुलवामा में जो हमारे शहीद जवानों के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ और उन सभी लोगों के साथ हम लोग की शोक संवेदना पूरे इंस्टीट्यूट की और पूरे देश की है। और अभिनंदन जैसे शूरवीर अगर देश में और आए, वो तो एक एग्जांपल क्रिएट कर दिया उन्होंने सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि आर्मी और डिफेंस फोर्सेज में जाना कितना अच्छा है और देश के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।